नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत रोहिला और आप देख रहे हैं आईएनडी व्हील्स। जय श्री श्याम दोस्तों। दोस्तों, अगर आप नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हो और आपने मन बना लिया है कि आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आप कुछ ऐसा मिस कर जाओगे जिसके बाद आपको पछताना पड़ सकता है। अब दोस्तों, होता क्या है ना, अभी त्योहारी सीजन चला हुआ और जितनी भी ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां है ना, जितनी भी कंपनियां मार्केट के अंदर, वो तगड़े तगड़े ऑफर लेके आ रही है। कोई 20,000 ऑफ दे रहा है, कोई 50,000 ऑफ दे रहा है, कोई 1,00,000 तक ऑफ दे रहा है, कोई किसी चीज का ऑफर दे रहा है, कोई किसी चीज का ऑफर दे रहा है। अब ये जो ऑफर्स है ना दोस्तों, हमें लुभाते बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यार फलानी गाड़ी है 10,00,000 की गाड़ी है, मेरे को 9,00,000 में मिल रही है, 9,00,000 की गाड़ी मेरे को 8,00,000 मिल रही है, 10,00,000 की गाड़ी मेरे को 9,50,000 मिल रही है। मतलब ऐसे ना आदमी का मन ललचाता है यार, क्यों ना कि गाड़ी उठा ली जाए। लेकिन दोस्तों, ऑफर्स के चक्कर में आके ना आप कुछ ऐसा कर बैठते हो, कुछ ऐसे फीचर्स को आप मिस कर देते हो, उन्हें नजरअंदाज कर देते हो, जिसको लेने के बाद आप बाद में बहुत पछताते हो। वो फीचर्स आपको बाहर से लगवाने पड़ते हैं, और कुछ फीचर्स तो दोस्तों ऐसे हैं जो बाहर से भी नहीं लग पाते हैं और आपको पछताना पड़ सकता है कि यार मैं लालच के चक्कर में नहीं फंसता और मैं ये वेरिएंट उठाता या ये वेरिएंट उठाता, या ये चीज मेरे लिए सुटेबल थी तो मैं वो खरीदता। लेकिन आप ऐसी गलती ना करो, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो ऑफर के चक्करों में नहीं पड़ना, आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो फीचर अपनी गाड़ी के अंदर चेक जरूर कर लेना, तब जाके वो गाड़ी उठाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, प्लीज वीडियो को जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। अब सबसे पहला जो फीचर आपको देखना है ना दोस्तों, वो देखना है एयरबैग। अब एयरबैग दोस्तों बहुत हेल्पफुल होते हैं गाड़ी के अंदर। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो उसके अंदर आपको एयरबैग मिलने ही मिलने चाहिए, होने ही होने चाहिए। अगर आप जो गाड़ी खरीदने जा रहे हो उसके अंदर एयरबैग नहीं है तो उस गाड़ी को प्लीज मत लेना। एयरबैग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस गाड़ी के अंदर एयरबैग हो आपको वो गाड़ी परचेज करनी है। अब दूसरा, अगर बात करूं दूसरा तो क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके अंदर होने चाहिए रिवर्स पार्किंग सेंसर। अब रिवर्स पार्किंग सेंसर में क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, गाड़ी को आप आगे चलाते हो तो बेफिक्र हो रहो, क्योंकि आगे चलाने में सब लोग एक्सपर्ट होते हैं, पीछे जो रिवर्स है, रिवर्स में हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो पाता दोस्तों। और रिवर्स पार्किंग सेंसर बहुत ज्यादा काम आते हैं गाड़ी के अंदर, जब आप खासतौर पर रिवर्स कर रहे हो तो पीछे टकराने से गाड़ी को बचाते हैं, साइड में टकराने से गाड़ी को बचाते हैं। अगर ये फीचर आपकी गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी को नहीं लेना दोस्तों। ये फीचर ऐसा है दोस्तों, अगर आप इसको बाहर से भी लगवाते हैं तो वो मजा नहीं आता जो कंपनी फिटेड रिवर्स पार्किंग सेंसर में आता है। तो प्लीज बाहर के लगवाने की बजाय आप कंपनी फिटेड ही ले, उनमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, आपको ज्यादा मजा आएगा। अगली अगर बात करें दोस्तों, IRVM का आपको खास ध्यान रखना है। तीसरा फीचर मैं बता रहा हूँ, IRVM डे एंड नाइट आपका जरूर होना चाहिए। बहुत सारी गाड़ियां मार्केट के अंदर अभी भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर डे नाइट नहीं आता, सिर्फ डे आता है, तो वो उसको आप नजरअंदाज करना, ठीक है, उसको आपको नहीं लेना है, कैंसिल करो, आपको डे नाइट IRVM ही चाहिए। अब वन टच स्लाइड विंडो, अब वन टच जो अगला फीचर है दोस्तों वो है वन टच स्लाइड विंडो का। आप बटन एक बार दबाओगे, शीशा पूरा नीचे चला जाएगा। ये फीचर होना गाड़ी के अंदर बहुत जरूरी है, काफी बार ये आपको हेल्प करता है। जैसे आप टोल प्लाजा वगैरह पे गए हो या किसी पार्किंग के अंदर गए हो तो आपको दबाए नहीं रखना होगा, आप सिर्फ वन टच कीजिए, आप टोल बूथ के पास जाके आपकी पूरी विंडो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अदरवाइज आपका एक दान यहाँ रहेगा, एक दान वहां रहेगा। तो खास तौर पे ये काम पेट्रोल, ये जो फीचर है पेट्रोल पंप वगैरह पे ज्यादा काम आता है। आपने एक बार दबाया, आपका शीशा नीचे हो जाता है, आप वहां मीटर वगैरह पे ध्यान दे सकते हो। मतलब काफी सारी चीजें हैं यार, जब आप ये एक ऐसा फीचर है जब आप गाड़ी को ले लेते हो ना, तब आपको खास आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे बहुत काम आया। अब गाड़ी के अंदर दोस्तों सेफ्टी के नाम पे एक ABS EBT जरूर होना चाहिए, ठीक है। EBD ना हो तो भी 1% चल सकता है, मैं 1% बोलूंगा, ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होना चाहिए, बट ABS तो होना ही होना चाहिए, 1000% होना चाहिए। आपकी गाड़ी के अंदर अगर ABS नहीं है तो गाड़ी को मत लेना,
ABS वाली गाड़ी ही लेना, क्योंकि ये आपको काफी बार एक्सीडेंट होने से बचा सकती है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसको बोलते हैं दोस्तों, आपके टायर्स को स्किड नहीं होने देता, ये आपकी गाड़ी को अनकंट्रोल नहीं होने देता, ये आपको अलर्ट रखता है, अच्छे से रखता है, सेफ रखता है दोस्तों। अगर ABS आपकी गाड़ी में है तो वो गाड़ी ले लीजिएगा, अदरवाइज वो मत लीजिएगा, क्योंकि ABS ऐसा फीचर दोस्तों, ABS जैसे फीचर बाहर से भी आप फिट नहीं करा पाओगे, ठीक है। अगला दोस्तों जो है सेंटर लॉक सिस्टम। अब सेंटर लॉकिंग सिस्टम मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, लगभग हर गाड़ी में सेंटर लॉकिंग मिलती है, लेकिन काफी सारी गाड़ियां हैं अभी भी ऐसी जो कि बेस मॉडल्स हो जाते हैं गाड़ियों के, उनके अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं देती कंपनी। और आज के टाइम में क्या है ना दोस्तों, देखो मेरा मानना ऐसा नहीं है कि आपको बेस वेरियंट खरीदना चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेस वेरिएंट खरीदना पसंद करते हैं, उनकी जेब में आते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे हैं जो आपको ये बोलते हैं कि आप बेस वेरिएंट खरीदिए, लेकिन मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, उसमें आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है, ठीक है, आपको सिर्फ नुकसान ही मिलता है इन फ्यूचर, ठीक है। अगर आपके आपकी गाड़ी के अंदर सेंटर लॉकिंग है तो आप वो गाड़ी परचेज कर लीजिए, क्योंकि कंपनी फिटेड सेंटर लॉकिंग सिस्टम मेरे हिसाब से बेस्ट रहते हैं। बाहर से अगर आप सेंटर लॉकिंग सिस्टम लगवाओगे तो आपको परेशान होना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि बाहर से आने वाले सेंटर लॉकिंग सिस्टम इतने कारगर नहीं होते, थोड़े टाइम ठीक चलते हैं, बाद में कुछ ना कुछ उनके अंदर दिक्कत आती ही है दोस्तों, तो प्लीज ये फीचर जरूर देख लेना। अब इसके अंदर एडजस्टेबल स्टेयरिंग, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर एडजस्टेबल स्टेयरिंग नहीं है तो भी उसे मत लेना दोस्तों, क्योंकि स्टेयरिंग एडजस्टेबल भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमेशा नहीं होता कि यार आप एक ही गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी को सिर्फ एक ही बंदा चलाएगा, आपकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी चला सकते हैं, तो किसी की हाइट कुछ है, किसी की हाइट कुछ है, अगर आपका स्टीयरिंग एडजस्टेबल होगा ना तो आप ज्यादा कंफर्टेबली गाड़ी को चला पाओगे। यार अनकंफर्टेबल होके गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं है, आपको भी पता है, अगर आप कंफर्टेबली चलाओगे गाड़ी चलाने का मजा तभी आता है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर है एडजस्टेबल स्टीयरिंग तो प्लीज उस गाड़ी को ही परचेज करना। अब जो है दोस्तों अगला मैं बताता हूं वो आता है हेडरेस्ट। हेडरेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, जैसे मेरी गाड़ी में तो ज्वाइंट है, मेरे को बहुत कमी खिलती है, लेकिन मेरी रियर सीट्स में देखोगे आप, देखो वो दिख रहा है, तो उसमें एडजस्टेबल है। फ्रंट सीट्स में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपका होना चाहिए। जो हेडरेस्ट है दोस्तों वो मैं बताता हूं, आपकी गर्दन को झटकों से बचाता है, ठीक है, इसमें हेडरेस्ट है, नो डाउट मेरी गाड़ी में हेडरेस्ट है, लेकिन ये ज्वाइंट है, मैं फिर भी ज्वाइंट जो होते हैं सीट के साथ जुड़े हुए उनको मैं ज्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ बकाया, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट की खास बात मैं बताता हूँ दोस्तों, इन इमरजेंसी अगर आपको एक इमरजेंसी पड़ जाती है, आपको शीशा ब्रेक करना पड़ता है, तो भाई गाड़ी का शीशा ऐसा होता है कि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो हाथों से या किसी चीज से, हैमर तक से भी ये नहीं टूट पाता है दोस्तों, लेकिन ये नुकीली चीज से टूटता है, क्योंकि ये ग्लास टूटता नहीं है, बिखरता है। हेडरेस्ट जो है हेडरेस्ट इस तरीके से बनाए जाते हैं, आप इसको निकाल के शीशा एक सेकंड में तोड़ सकते हो, भगवान ना करे ऐसे आप इमरजेंसी में फंसो, लेकिन ये फीचर भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब अगला जो फीचर है दोस्तों जो आपको गाड़ी लेते टाइम बहुत देखना है, मतलब बहुत खास तौर पर देखना है, वो है दोस्तों विजिबिलिटी के लिए फोग लैम्प। अब दोस्तों हमेशा तो गर्मियां नहीं होती, सर्दियां भी आती हैं, सर्दियों में फोग भी बहुत ज्यादा आता है, तो इसमें दोस्तों आपको फोग लैम्प बहुत मैटर करता है। अब कुछ कंपनियां ऐसी हैं फोग लैम्प देती हैं, लेकिन वो ना के बराबर उनकी रोशनी होती है, बिल्कुल आपकी गाड़ी के सामने ही रोशनी रह जाती है, तो मैं आपको बोलूंगा प्रोजेक्टर फोग लैम्प अगर आपकी गाड़ी में हो तो आप उस गाड़ी को जरूर प्रेफर करना। अगर फोग लैम्प नहीं हो तो कंपनी से ही उसको लगवाना, बाहर से भी मत लगवाना, क्योंकि बाहर की फिटिंग और बाहर में यार जो चीजें होती है ना, थर्ड पार्टी जो चीजें आप लगाओगे उनमें इतना मजा नहीं आता है। नॉर्मल वाले फोग लैम्प जो कंपनियां देती हैं तो उनको भी आप कंपनी से ही अपग्रेड कर सकते हो, कंपनी ऐसा ऑफर देती है आपको। तो अगर आपकी गाड़ी में फोग लैम्प होगा तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी सर्दियों के दौरान, फोग के दौरान या धुएं के दौरान, धूल के दौरान, ठीक है, आपको गाड़ी के साथ आपको विजिबिलिटी काफी अच्छी होगी आपके गाड़ी के सामने, और आपको काफी मजा आएगा ड्राइव करते टाइम। तो ये कुछ फीचर्स थे दोस्तों, अगर आप एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, खरीदने जा रहे हो, तो इनको जरूर देखना यार। अगर ये फीचर्स आपने मिस कर दिए तो भाई आप काफी बड़ी गलती कर बैठोगे। दिवाली पे जो ऑफर्स आते हैं उन ऑफर्स के चक्करों में मत घुसो, आपको जो
ये जिस गाड़ी में ये फीचर्स मिले आपको वो गाड़ी ही खरीदनी है मेरे हिसाब से, तो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। अगर आप मेरी बताई इन फीचर्स के अनुसार चलते हो तो आप एक परफेक्ट गाड़ी उठा पाओगे और आप उससे कभी नाखुश नहीं होगे। तो इतना ही था बस इस दोस्तों में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।